जब तक हम लोग अलायंस में हैं, हम लोग अलायंस में हैं, लेकिन मैं आप लोग से जानना चाहती हूँ कि व्हाट्स द ड्रामा बिहाइंड दिस और सबके साथ पर्सनली क्या जो उनका पर्सनल चीज़ होती है ना, उसके चक्कर में अलायंस तोड़ देते हैं कहीं ना कहीं। अगर बूम्स का सिनेरियो है पीयू के साथ, तो पीयू का इतना हेट रेट है उस चीज़ को लेके कि वो अलायंस को सोचते नहीं है फिर वो लोग। हम लोग पिछले वोट आउट में तो अलायंस निभाई मैम, पीहू ने भूमिका सेवित को किया था, अरे शायन को किया था, शायन को किया, पीहू ने उनको किया था अलायंस में, उनका वर्ड नहीं है मैम कुछ भी। मुझे तो सुनने में आ रहा है सचिन और ऋषभ से कि अलायंस नहीं है, और एक्चुअली बियॉन्ड द पॉइंट गैंगस्टर्स फोर्स नहीं कर सकते, एंड आई डोंट थिंक इस वक्त अलायंस है, और अगर है भी तो अलायंस काफ़ी डामाडोल है, द अलायंस इज क्वाइट रिस्की। अभी तुम्हारे पास मौका है, तुम जाके गौतम के गैंग को सीधा ही बोलना कि प्रिंस सर ने तुम्हें चैलेंज इसलिए नहीं किया था क्योंकि प्रिंस सर को पता था कि वो टास्क में अच्छा करेंगे, तो उन्होंने रिया गैंग को टारगेट किया था इसलिए कि वो उसको ना जीतने थे कि फाइट सर तुम दोनों के बीच में होगी, ठीक है ना। और वो मिलके बोल कि अभी तो नंबर कम करने का वजह है, आज हमारे पास इम्यूनिटी नहीं है, हम तभी तुमसे बात कर रहे हैं, सिंपल बात कर रहे हैं, अलायंस नहीं हम कर रहे, हम सिर्फ कह रहे हैं कि स्मार्ट खेलने की कि उनके नंबर कम कर। उन्होंने हमें बताया कि रिया मैम की गैंग में अभी झुंड ज्यादा है, इसलिए दुश्मन से दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ेगा, गौतम गैंग के साथ अलायंस करो और रिया मैम की गैंग के मेंबर को कम करो। सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू विन द टास्क सो दैट आई गेट यू गाइज इम्यूनिटी, ओके। उसके बाद है अलायंस। अब अलायंस अब तुम लोगों को लग रहा टूट गया क्या? बिल्कुल, मुझे भी वहाँ पे ट्रस्ट नहीं है क्योंकि वो लोग थोड़े से डॉजी हैं। एक काम करो तुम लोग, देखो प्रिंस की टीम से मेरे को डर नहीं है, और प्रिंस मैंने देखा है थोड़ा सा हमसे नाइस होने की कोशिश कर रहा है, सो आज तुम रिया की टीम के अगेंस्ट जाओ। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन लगता है तुमको उनकी टीम में? ऋषभ को वोट आउट करो सारे मिलके आज। भूमिका इन्फ्लुएंस बहुत अच्छे से कर लेती है, वो दिमाग वाली लड़की है, वो पूरे गैंग को ऐसे लेके चलती है जैसे उसी का गैंग है, रिया का भी नहीं है, ठीक है ना। और वो मैंने देख लिया है पीयू से। हाँ, तो एक काम करो, ऋषभ और भूमिका को टारगेट करो। रिया मैम की गैंग बहुत स्मार्ट प्ले कर कर अपने बंदों के नंबर्स बचा रहे थे, धीरे धीरे करके जैसे दो कुत्तों के बीच में एक बिल्ली बोटी छीन जाती है, आगे जा रहे थे। अगर तुम मिलके खेल रहे हो तो ऊपर वाला बैठा है देखने के लिए, और अब टाइम आया, शुरू हुआ है हमारा, और अब हम गेम बदलते रहेंगे।